तो स्टूडेंट्स, छंद हिंदी साहित्य में छंद परिचय हमारा बिंदु चल रहा था और पिछले वीडियोज में हमने छंद का परिचय और उस परिचय में छंद के कौन कौन से अवयव होते हैं, छंद की परिभाषा क्या होती है, इन सभी के बारे में जाना था। और उसी में इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने छोड़ा था, छंदों के प्रकार चल रहे थे कि भाई छंदों के कितने प्रकार होते हैं, और उसमें हमने जाना था कि भाई छंद के दो प्रकार होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। मात्रिक छंद के बारे में हम बता रहे थे और उसमें हमने मात्रिक समछंद के बारे में आपको बता दिया था कि मात्रिक समछंद अर्थात जिन छंदों के चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है अर्थात बराबर होती है, उन्हें मात्रिक समछंद कहते हैं। यह पिछले वीडियो में हमने आपको लिखवा दिया था, बता दिया था। अब हमारा जो अगला दूसरा मात्रिक का प्रकार है वो है मात्रिक अर्धसमछंद। मात्रिक अर्धसमछंद, तो जिन छंदों के पहले तथा तीसरे, कौन कौन से, पहले तथा तीसरे, दूसरे तथा चौथे चरण में या चरणों में मात्राओं की संख्या बराबर हो, उन्हें मात्रिक अर्धसमछंद कहते हैं। तीसरा हमारा आता है मात्रिक विषम छंद, तो जिन छंदों के चारों चरणों में अर्थात पादों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है अर्थात भिन्न भिन्न होती है, उन्हें मात्रिक विषम छंद कहते हैं या वो मात्रिक विषम छंद कहलाते हैं। तो ये मात्रिक छंदों के बारे में था, मात्रिक छंद कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। अब आता है आपके इसी प्रकार से जो वार्णिक है, वार्णिक छंद का विवरण आता है। वर्णिक या वार्णिक कहा जाता है इनको, और इसमें देखिए जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वर्णिक या वार्णिक छंद कहलाते हैं। इनके भी तीन प्रकार होते हैं,
नंबर एक, वर्णिक समछन, चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है या बराबर होती है। वर्णिक समछंद कहलाते हैं। तो देखिए, वर्णिक छंद, जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है वो वर्णिक या वर्णिक छंद कहलाते हैं। गणना के आधार पर इनके भी मात्रिक की तरह ही तीन प्रकार होते हैं। वर्णिक समछंद पहला है, वर्णिक समछंद परिभाषा, जिन छंदों के चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है या बराबर होती है वर्णिक समछंद कहलाते हैं। अब आता है आपके इसी का दूसरा प्रकार, और दूसरा प्रकार है वर्णिक अर्ध समछंद। जिन छंदों के पहले तथा तीसरे दूसरे तथा चौथे चरणों में वर्णों की संख्या बराबर होती है वर्णिक अर्ध समछंद कहलाते हैं। वर्णिक अर्ध समछंद कहलाते हैं। वर्णिक अर्ध समछंद कहलाते हैं। अब इसका तीसरा जो भेद है वो तीसरा भेद रह जाता है और वो है वर्णिक विषम छंद।
विषम छंद। जिन छंदों के चारों चरणों में वर्णों की संख्या अलग अलग होती है वर्णिक विषम छंद कहलाते हैं। वर्णिक विषम छंद कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये वर्णों का जो प्रकार था, वर्णों के प्रकार का विवरण है। वर्णिक छंदों का और मूल रूप से छंदों का परिचय है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक और वार्णिक। जो वार्णिक मात्रिक छंद हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, मात्रिक, समछंद मात्रिक, अर्धसमछंद मात्रिक, विषम छंद। उसी प्रकार से वार्णिक छंद हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं, वार्णिक समछंद, वार्णिक अर्धसमछंद और वार्णिक विषम छंद। इस तरीके से ये दोनों ही तीन तीन प्रकार के होते हैं। फर्क कितना है, मात्रिक में मात्राओं की गणना की जाती है और वार्णिक में वर्णों की गणना की जाती है। तो इस प्रकार से ये छंदों का विवरण रहा। इसके अतिरिक्त मात्राओं और वर्णों की संख्या के विचार से छंदों के कुछ भेद और बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त मात्राओं और वर्णों की आधार पर छंदों के कुछ भेद अन्य अन्य भी बताए गए हैं। नंबर एक, साधारण
और नंबर दो दंडक, साधारण और दंडक। अब देखिए मात्राओं के आधार पर भी और वर्णों के आधार पर भी, इनका वर्णन है और वर्णन के आधार पर बताया गया है। क्या बताया गया है? साधारण छंद। तो देखिए इस मैं दो उसमें लिख रहा हूँ, मात्राओं के आधार पर लिख रहा हूँ पहले। मात्राओं के आधार पर बत्तीस मात्राओं तक के छंद साधारण छंद कहलाते हैं। साधारण छंद कहलाते हैं। तथा 32 से 32 मात्राओं वाले छंद दंडक कहलाते हैं। दूसरा लिख रहा हूं मैं वर्णों के आधार पर, वर्णों के आधार पर छब्बीस वर्णों तक के छंद साधारण तथा छब्बीस से अधिक वर्णों वाले दंडक छंद कहलाते हैं। कहलाते हैं, ठीक है। पुनः देख लीजिए कि इसके अतिरिक्त मात्राओं और वर्णों के आधार पर छंदों के कुछ कतिपय या अन्य कुछ भेद अन्य भी बताए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? साधारण और दंडक। साधारण और दंडक मात्राओं के आधार पर 32 मात्राओं तक के छंद साधारण छंद कहलाते हैं तथा 32 से अधिक मात्राओं वाले छंद दंडक छंद कहलाते हैं। उसी प्रकार वर्णों में वर्णों के आधार पर 26 वर्णों तक के छंद साधारण तथा 26 से अधिक वर्णों वाले दंडक छंद कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, नोट कर लेना है
कि इनको इन नामों से भी जाना जाता है और इस तरीके से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त देखिए एक जानकारी मैं आपको और देना चाहूँगा, इसको मिटाल देता हूँ यहाँ से। जो वर्णिक छंद होते हैं इनके कुछ अन्य भेद भी बताए गए हैं इसके अलावा भी, और वो बताए गए हैं नंबर एक है गणबद्ध, पहला है गणबद्ध और दूसरा है मुक्तक। और दूसरा है मुक्तक, एक है गणबद्ध और दूसरा है मुक्तक। अब गणबद्ध क्या है, मुक्तक क्या है, उसे मैं यहां लिख रहा हूं। जिन वर्णिक छंदों के चरणों में वर्णों तथा गणों, वर्णों तथा गणों की संख्या निश्चित होती है, होती है गणबद्ध छंद कहलाते हैं। तथा जिन छंदों के चरणों में केवल वर्णों की संख्या निश्चित होती है, मुक्तक छंद कहलाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि वर्णिक छंदों के अन्य भी दो भेद
बताए गए हैं, गणबद्ध और मुक्तक, अर्थात दो प्रकार की रचनाएं वर्णिक छंदों में पाई जाती हैं। एक तो गणबद्ध रचनाएं पाई जाती हैं, दूसरी मुक्तक पाई जाती हैं। गणबद्ध क्या है कि जिन वर्णिक छंदों के चारों चरणों वर्णों के साथ साथ गणों की संख्या भी निश्चित होती है वो तो कहलाते हैं क्या, गणबद्ध रचनाएँ या गणबद्ध छंद। और जिन छंदों के चारों चरणों में केवल वर्णों की संख्या निश्चित होती है, वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती है, वर्ण नहीं होते, गण नहीं होते, केवल वर्णों की संख्या निश्चित होती है, गण नहीं होते या गणों की संख्या निश्चित नहीं होती, उन्हें मुक्तक छंद कहा जाता है। तो ठीक है, छंदों के बारे में जो पूर्ण विवरण था, जानकारी थी, बेसिक जानकारी, वो हमने इस वीडियो में लिए। अब अगले वीडियो में हम छंदों के प्रकार, एक एक छंद को लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम मात्रिक को लेकर के चलेंगे और मात्रिक में भी मात्रिक सम छंद, जिसमें आपके गीत का, हरि गीत का जो छंद दिए गए हैं, उन छंदों को लेकर के हम चलेंगे। थैंक यू।